morning. My name is Atta Jain, and today we will learn HCF. HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF को GCD भी कहते हैं. GCD की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. आज हम पढ़ेंगे HCF को निकालने के मेथड्स, तीन तरीके. फर्स्ट है लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड है डिवीजन मेथड. लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स, अगर हम पहले मेथड के अंतर्गत इन तीन संख्या को ले तो इनमें से हम सबसे पहले 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. सबसे पहला फैक्टर है 1 के टेबल में 16 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में 16 आता है, 8 के टेबल में 16 आता है और 12 के टेबल में 16 के टेबल में 16 आता है. जब तक वो संख्या खुद ब खुद नहीं आ जाती है, जब तक हम फैक्टर्स निकालते रहते हैं. अब हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे. 1 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में 18 आता है और 9 के टेबल में 18 आता है और 18 के टेबल में 18 आता है. जैसे मैंने आपको बताया था 16 के उसमें, जब तक वो संख्या खुद ब खुद नहीं आ जाती है, जब तक हम फैक्टर्स निकालना बंद नहीं करते हैं. अब हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे. 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में 12 आता है. इनमें से हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. इन सब में से अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. अब इनमें से कॉमन फैक्टर है हमारा, सबसे पहला नंबर है 1, सेकंड नंबर है 2. तो अभी हम इसमें से हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिले हैं और अब हम इन कॉमन फैक्टर्स को, सबसे पहले तो हम कॉपी में कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, मतलब उनमें जो कॉमन आया है उसको लिख देंगे. हमारे में कॉमन आया है 1 एंड 2. अब हमें इनमें से देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है. 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है. तो जैसे भी हम जानते हैं कि 2 बड़ा होता है, तो हम HCF लिख कर उसमें 2 लिख देंगे. तो उसमें हमारा HCF आया 2. तो इस तरीके से आज हमने HCF निकालने का फर्स्ट मेथड सीख लिया है. बाकी के मेथड हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.